स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इग्नू के तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। अभी आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एडमिशन का और री रजिस्ट्रेशन का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इग्नू में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी जो है 31 अगस्त तक जो है न्यू एडमिशन कराए जा सकते हैं। यानी कि आप जो है विदाउट एनी लेट फीस चार्ज के 31 अगस्त तक अपना न्यू एडमिशन करवा सकते हैं, अगर आप इग्नू में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो री रजिस्ट्रेशन का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो आप 31 अगस्त तक अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ न्यू एडमिशन के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी इस चीज को अपडेट नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको 16 अगस्त ही बताएगा, पर इसको बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही में इग्नू के जितने भी ऑनलाइन कोर्सों के लिए एडमिशन स्टार्ट है उसका भी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आप जो इग्नू के ऑनलाइन कोर्सों के लिए भी 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर इसको अपडेट नहीं किया गया पर इसको बहुत ही जल्द यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहां पर भी 31 अगस्त लिखा हुआ आ जाएगा। साथ ही में आप जो है री रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर आएंगे तो यहां पर भी जो है अभी इसको अपडेट नहीं किया गया पर इसको बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर देखिए आपको हाईलाइट करके बता दिया गया है कि इग्नू में जो है फ्रेश एडमिशन का और री रजिस्ट्रेशन का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो है आप न्यू एडमिशन और नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक करवा सकती है। आप जो है किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही में आप जो है नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं इसके ऊपर भी आपको हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे वीडियो दिया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपके एडमिशन का और री रजिस्ट्रेशन का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो है आप 31 अगस्त तक ये दोनों काम कर सकते हैं, न्यू एडमिशन ले सकते हैं और री रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।